हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, चैनल पे हम आपको डॉलर इंडेक्स और गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज के लिए जो लेवल्स हमने मार्क किए थे उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमने दो इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए थे, 102.176 और 101.991 का लेवल हम डिस्कस किए थे। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें यहाँ पर मिला हुआ है अभी भी, और मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है। तो हमने डिस्कस किया था कि जो भी लेवल टूटेगा उस तरफ का हमें ट्रेड प्लान करना होगा। और अब यहाँ से देखते हैं, अपसाइड का ब्रेक हुआ, मार्केट ने ये लेवल ब्रेक किया है और मार्केट ने स्ट्रॉन्ग मूव अपसाइड कर लिया और फर्स्ट टारगेट हिट किया। फर्स्ट टारगेट हिट करने के बाद मार्केट यहाँ तक गई है। इसके बाद मार्केट ने स्ट्रॉन्ग मूव सेल साइड का लिया है। तो यहाँ से मार्केट ने सेल साइड का मोमेंटम लिया और मार्केट ने वापस से हमारे जो सपोर्ट लेवल था, हमारा जो डिसेसिव लेवल था, उसको हिट किया है। उसके बाद 8:30 बजे देखिए यहाँ पे अपसाइड का मूव बनना शुरू हुआ। रीजंस का ये था कि 8:30 बजे जो एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डाटा आया है या कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है, वो थोड़ा पॉजिटिव आया है, जिसकी वजह से यहाँ पे अपसाइड का मूव हमें देखने को मिला है। लेकिन अभी मार्केट जो एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल देती हुई नजर आ रही है, यानी कि मार्केट जो है ऊपर नहीं जा पा रही है, सस्टेन नहीं कर पा रही है मार्केट, और अभी भी यहाँ पर नेगेटिविटी बन सकती है। ठीक है, तो मार्केट ने अपना अपसाइड का टारगेट एक्टिवेट किया यहाँ से, और बहुत ब्यूटीफुली इसने अपना फर्स्ट टारगेट हिट किया। उसके बाद बाकी के टारगेट्स मार्केट ने हिट नहीं किए। उसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये जो हमने लेवल मार्क किया हुआ है, यहाँ पे देखिए सपोर्ट बना था, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना था हमारे पास, यहाँ पे फिर से काफी घंटे सपोर्ट बना। इसको अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मार्केट ने एग्जैक्टली इसी लेवल से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ का मोमेंटम लिया है। तो यानी कि जो भी मूव आता है मार्केट में, उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर रहती है। या तो फंडामेंटल्स होंगे या टेक्निकल्स होंगे, और अगर कोई भी रीजन नहीं होता है तो वो जनरल डिमांड एंड सप्लाई की वजह से थोड़ा बहुत मूवमेंट आता है। स्ट्रॉन्ग मूव्स जो है बिना किसी रीजन के, टेक्निकल्स या बिना फंडामेंटल्स के, नहीं आते हैं मार्केट में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल इसीलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे पहले भी एक लेवल बना हुआ था जो कि स्ट्रॉन्गली मार्केट को होल्ड करे हुए था। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे जो है 8:30 बजे के बाद मार्केट ने अपसाइड का मूव लेना शुरू किया है, लेकिन अभी फिर से वीकनेस बनती हुई नजर आ रही है। तो मार्केट, अगर हम थोड़ा ओवरव्यू लें, तो यहाँ से मार्केट दो लेवल्स के बीच में ट्रैप होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे कि कल किस तरह का मूवमेंट रह सकता है मार्केट में। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि गोल्ड ने किस तरह का मूव हमें दिया है। देखिए, गोल्ड में हमने यहाँ से, जब हमने आपको वीडियो अपलोड करी थी, तब हमने आपको बताया था कि यहाँ से एक नेगेटिविटी बन रही है मार्केट में, और ये रेड अगर कैंडल क्लोज हो जाती है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 2037 का रहेगा, जिसको मार्केट ने अगली कैंडल में ही हिट कर दिया। उसके बाद हमने डिस्कस किया था, अगर ये लेवल टूटेगा तो हमारा नेक्स्ट लेवल रहेगा 2033 का। देखिए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टूटा और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट लेवल हिट भी हो गया। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें कि इसके नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिलेगी, हालांकि यहाँ पे क्लोजिंग आई है, लेकिन ये जो विक है बहुत ज्यादा लंबी है, तो अगर मैं पर्सनली ट्रेड करती तो मैं इस कैंडल के ऊपर ट्रेड नहीं करती। लेकिन फिर भी, इसके बावजूद भी मार्केट ने ये जो कैंडल है, इसने अपना लास्ट टारगेट जो है वो भी हिट कर दिया। ठीक है, तो अदरवाइज यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुआ है ट्रेड, यहाँ पे एंट्री लेना अच्छा ट्रेड नहीं कहलाता। लेकिन फिर भी इसने ट्रेड अपना टारगेट हिट कर दिया है, इस कैंडल ने, इस ग्रीन कैंडल ने हिट कर दिया है। ठीक है, तो इसमें हम यही कंसिडर करेंगे कि दो ट्रेड्स एक्टिवेट होते हैं, यहाँ से फर्स्ट टारगेट और यहाँ से सेकेंड टारगेट। थर्ड टारगेट एक्टिवेट नहीं हुआ तो उसमें ट्रेड नहीं बन रहा था। और अब हम बात कर लेते हैं कि कल किस तरह का मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो इन लेवल्स को इरेज कर देते हैं सबसे पहले। अब डॉलर इंडेक्स पे शिफ्ट करेंगे, डे के चार्ट पे एक बार चलते हैं। डे के चार्ट पे एक हमें ओवरव्यू मिल जाता है कि मार्केट कैसा रिस्पॉन्स कर रही है। ठीक है, डे के चार्ट पे अभी जो है मार्केट में नेगेटिविटी बनी हुई है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है। और एक ये लेवल है हमारे पास, ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे थे, थिक वाली लाइन, ये देखिए यहाँ पे काफी देर तक मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है यहाँ पर, और यहाँ पे भी काफी सपोर्ट भी दिया है मार्केट ने, यहाँ पे भी सपोर्ट बना है। तो ये बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट दे रहा है मार्केट को, और यही लेवल जो है हमारे लिए भी सपोर्ट का काम भी करने वाला है। ठीक है, तो इसके अलावा हमें यहाँ पर ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच अगर करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले मार्केट सपोर्ट ले चुकी है, तो ये लेवल अभी हमें रेजिस्टेंस दे सकता है। साथ के साथ ये जो लेवल है 102.614 का लेवल, ये हमें पिछले 2-3 दिनों से एग्जैक्टली मार्केट इसी को टच करके वापस नीचे की तरफ गिर रही है, यानी कि ये भी हमें बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दे रहा है। तो ये मार्केट इन दो लेवल्स के बीच में जो है ट्रैप हो गई है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ट्रेड कैसे लेंगे हम, ट्रेड में हमें क्या करना है। देखिए, एक ये जो अप ट्रेंड बन रहा था, ये तो ऑल्दो ब्रेक हो चुकी है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, और इस वाले लेवल को हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, जो कि ड्रॉ हो रही है।
और मार्केट सपोर्ट भी दे रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें इस ट्रायंगल के बीच में ही रहना है। इसको अगर आप कहते हैं तो हम इसको ब्लैक कलर कर लेते हैं या इसको हम रेड कलर कर लेते हैं ताकि इजिली आइडेंटिफाई हो सके। ये लेवल्स हैं हमारी, इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो अभी हमें क्या करना है, हमें इन लेवल्स के बीच बीच में ही काम करना है। जैसे कि अगर मार्केट नीचे गिरती है तो यहाँ से सपोर्ट लेगी मार्केट, वापस बाउंस बैक करेगी 102.373। इसको ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट लेवल रहेगा 102.481। यहाँ से रिवर्सल लिया तो वापस इस ट्रेंडिंग पे सपोर्ट लेगी, फिर से इसके ऊपर बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ जाएगी। और अगर ये लेवल तोड़ दिया तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 102.606, और अगर इसको तोड़ दिया तो 102.176 हमारा टारगेट रह सकता है, ठीक है। तो दोनों ही सिचुएशंस हैं, अगर मार्केट इन इस ट्रायंगल के बीच बीच में रहती है तो भी हमें मल्टीपल ट्रेड्स देखने को मिल जाएंगे, अगर किसी भी तरफ बाहर जाती है तो भी हमें एक अच्छा ट्रेड कैच करने के लिए मिल जाएगा। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे, और ये रेड लाइंस जो हैं, जो ट्रेड लाइंस हमने ड्रॉ करी हैं, उनको भी आप ड्रॉ कर लीजिए, हमें कल काफी हेल्प कर सकती हैं। हम बात करते हैं XAU USD की, कि मार्केट किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है और किस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकती है। तो यहाँ पे देखें तो देखिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 2043 पर। यहाँ देखिए काफी स्ट्रॉन्गली मार्केट इस लेवल से रेजिस्टेंस ले रही है, ठीक है। इसको हम रेड कलर कर देते हैं, ठीक है। तो और अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो इन दोनों लेवल्स के बीच में मार्केट जो है काफी ज्यादा ट्रैप हो रही है। कौन कौन से लेवल, 2043 और 2033, इसको भी रेड कर देते हैं हम, ठीक है। अब इसको अगर हमने क्यों कहा है, एक बार हाइड करते हैं। यहाँ से देखेंगे आप यहाँ पे मेरे कर्सर को नोट कीजिए, देखिए इस एरिया में मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है, ठीक है। और इस एरिया में, इस लाइन के ऊपर मार्केट ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट, यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट, कितना स्ट्रांगली मार्केट ने इस लेवल पर सपोर्ट फेस किया है। अपने ड्रॉइंग्स ऑन करते हैं, देखिए मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट फेस किया है और यहाँ पे 2043 पर भी रेजिस्टेंस फेस किया है। तो मार्केट इन दोनों के बीच में काफी स्ट्रांगली फंस गई है। तो हमें क्या करना है, ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, अभी हम हमारा जो डिसिसिव लेवल होगा उसको हम ब्लैक कलर करेंगे। अभी फिलहाल के लिए देखो ऊपर की तरफ जा रही है मार्केट, मोस्ट प्रॉब्ली ये यहाँ से 2037 का ट्रेड देगी। मार्केट इसके बीच बीच में रह सकती है, अगर इसको तोड़ा तो मार्केट 2043 हिट करेगी, अगर 2033 को तोड़ा तो 2030 को हिट करेगी, ठीक है। तो इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स हमें काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। इनको आपको इसी तरह ही समझना पड़ेगा क्योंकि मार्केट जो है जिगजैग मूवमेंट में ही चल रही है। अगर आप नोटिस करेंगे, देखिए मार्केट इन दोनों लेवल्स के बीच में चल रही है, या तो मार्केट यहाँ से यहीं घूम रही है, या इसको क्रॉस कर रही है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रही है, फिर नीचे गिर रही है, फिर ऊपर जा रही है, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया। मार्केट इसी तरह से कॉन्टिन्यूटी में बिहेव कर रही है। ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से देखिए एक अप ट्रेंड भी ड्रॉ हो रहा है, हमें ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है, और ये भी हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, हमें रेजिस्टेंस दे, सपोर्ट दे सकता है, ठीक है। तो जैसा ट्रेंड लाइन हमें डॉलर इंडेक्स में देखने को मिला था ऑलमोस्ट वैसा वैसा से ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो ये ड्रॉइंग्स देखिए थोड़े से तो टिपिकल है यहाँ पर, क्लियर स्ट्रेट लाइंस नहीं है, थोड़े से जिगजैग मूव आ सकते हैं, थोड़े से हमारे पास ट्रेंड लाइंस हैं, तो थोड़े से रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। तो आज के लिए हमें इनको समझना पड़ेगा, और बेटर है कि आप भी इन चीज़ों को नोटिस करना सीखे। सिर्फ स्ट्रेट लाइंस के ऊपर हम ट्रेड्स नहीं ले सकते हैं, हमें ट्राइंगल्स, पैटर्न्स, ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, हर चीज़ को ही हमें कंसिडर करना होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है तो आप इसको ट्रेड मत लीजिए कल, बस जस्ट नोटिस कीजिए कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रही है, ठीक है। आप अगर इसमें डाउट हो रहा है तो आप ट्रेड मत लीजिए, सिर्फ इसको ऑब्जर्व कीजिए कि मार्केट इन लेवल्स के ऊपर किस तरह से बिहेव कर रही है, ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी है इसके ऊपर किस तरह से बिहेव कर रही है, और ये जो रेड लाइन्स है इनके बीच में कैसे बिहेव कर रही है, और ये जो 2037 और 33 का लेवल है ये किस तरह से हमें हेल्प करें डिसीजंस लेने में। तो सिर्फ इतनी सी दो तीन चीजें हैं, आप नोट कर लीजिए और इनको ऑब्जर्व कीजिए कल, ताकि आपको पता चल सके कि ये जो सारी की सारी यहाँ पे हमने खिचड़ी पकाई है ये इम्पोर्टेंट खिचड़ी है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की। देखिए फंडामेंटल्स में कल यूएस का ही डाटा आ रहा है, सेम टाइम पर आ रहा है, और बहुत सारा डाटा आ रहा है, और सारा का सारा इंपॉर्टेंट डाटा है। तो प्रॉब्लम इस चीज़ में ये होती है, ऐसे टाइम पे ऐसी होती है कि कुछ डाटा जो है वो डॉलर इंडेक्स को ऊपर की तरफ पुश करता है, कुछ जो डाटा है
वो डॉल इंडेक्स को नीचे की तरफ गिराता है। ठीक है, तो इस केस में अगर डाटा मिक्स टाइप का आ जाता है, यानी कि कुछ डाटा यूएस डॉलर को ऊपर की तरफ लेकर जा रही है और कुछ डाटा जो है यूएस को डॉलर को नीचे की तरफ धकेल रही है, तो उस केस में हमारे पास ट्रेड लेने के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड से सिचुएशन हो जाती है कि हम किस तरफ का ट्रेड लें और मार्केट अब क्या करने वाली है हमें नहीं पता होता। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हमें थोड़ी सी देर वेट करनी होती है। पहले 5, 7, 8 मिनट निकल जाने दीजिए, ट्रेड को निकल जाने दीजिए, चाहे जितनी मर्जी बड़ी कैंडल बननी लग रही हो, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट मत होइए। क्योंकि देखिए, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो डॉलर इंडेक्स में ऐसी बहुत सारी कैंडल्स हैं जो बहुत स्ट्रांगली ऊपर गई हैं, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ गिर गई है। ये देखिए, आप यहाँ से देखिए, यहाँ से मार्केट ने बढ़ना शुरू किया, कितना ऊपर तक गई है, कितनी स्ट्रांग विक बनी है, यानी कि यहाँ से कुछ स्ट्रांग मूवमेंट आया था, उसमें मार्केट नीचे गिरी और ऐसे नीचे गिरी है कि आप यहाँ पर संभल ही नहीं पाए होंगे। ठीक है, तो ऐसा एक बार ही नहीं हुआ, ऐसा बहुत बार ही हुआ है जब मिक्स्ड डाटा आता है। देखिए, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरी थी, धीरे धीरे नीचे गिरी थी, डाटा आया होगा यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग डाटा आया होगा, मार्केट स्ट्रॉन्गली नीचे की तरफ गिरी, उसके बाद मार्केट ने वापस अपसेट का मूव ले लिया। तो ये जो मूवमेंट्स आते हैं, ये स्ट्रॉन्ग मूव्स आते हैं और डाटा की वजह से आते हैं। तो डाटा पे शिफ्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे 7 बजे सारा डाटा आ रहा है, सारा डाटा 7 बजे ही आ रहा है। ये आपके फोरकास्ट लेवल्स होते हैं, प्रीवियस लेवल्स होते हैं, एक्चुअल फिगर्स हमें कल देखने को मिलेंगे। कॉन्टिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम्स हैं, ये नेगेटिव इंडिकेटर होता है। जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू आएगी यहाँ पर, उतना ही डॉलर इंडेक्स, यहाँ पर हम DXY लिख लेते हैं कि DXY पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसे लिख लेते हैं। तो DXY यहाँ पर नीचे गिरेगा, अगर ये डाटा पॉजिटिव आया तो डॉलर इंडेक्स नीचे गिरेगा। GDP का डाटा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाटा होता है, अगर ये डाटा पॉजिटिव आया, जैसे कि एक्सपेक्टेड भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 5.2, तो पिछले पहले जो था 2.1 था, यहाँ पे पॉजिटिविटी एक्सपेक्टेड है। अगर GDP के डाटा पॉजिटिव आया तो ये ऊपर की तरफ डॉलर इंडेक्स को ले जा सकता है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, जॉबलेस क्लेम्स का भी डाटा स्ट्रॉन्ग डाटा होता है, पॉजिटिव नहीं होता, मतलब नेगेटिव इंडिकेटर होता है। ठीक है, जितना ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी, जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है, उतना ही डॉलर इंडेक्स नीचे गिरेगा। आप यहाँ पे देखिए, दो इन दोनों चीजों में कंफ्यूज हो सकते हैं ना, एक डाटा कह रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, दूसरा डाटा कह रहा है बढ़ेगी वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे फोरकास्ट में भी लग रहा है कि बढ़ेगी वैल्यू, तो दूसरे डाटा की वजह से डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिर सकता है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है इसको, आपको मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटजी करनी होगी आपको यहाँ पे यूज। मूवमेंट बनेगा मार्केट में तभी ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है, ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है, इसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जितनी बड़ी वैल्यू आएगी, उतना ही ज्यादा डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये टाइम फ्रेम्स मार्क कर लीजिए, लेवल्स मार्क कर लीजिए, और अगर आप ये कर लेते हैं, आप ट्रेड्स के लिए बिल्कुल परफेक्टली रेडी होंगे कल के लिए। लेकिन अगर फिर भी आपको डाउट रह रहा है, तो आप कल सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न कीजिए। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।